फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अकीलास किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे। आज हम ईद स्पेशल में, मतलब ईद में सबके घर में बिरयानी, कोरमा, जो भी आपको डिशेस पसंद है वो बनती है, पर ज़्यादा करके बिरयानी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए फिर हम आज आपको हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। चिकन हैदराबादी दम बिरयानी आप देख सकते हैं, उसमें लगने वाली ये सब सामग्री है। ईद में कुछ खास बनाने के लिए हमें, ईद में मतलब ईद के दिन हम खास करके बिरयानी ही बनाते हैं ईद के मौके पे, और बहुत से घरों में बिरयानी बनती भी है अलग अलग स्टाइल की। ये स्टाइल की भी आप बनाकर ट्राई कर देखना कैसी लगती है। चलिए उसकी सामग्री सब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने 1 किलो चिकन लिया है। इस गोश्त को हम ना पहले मैरिनेशन करके लेंगे। मैरिनेशन मतलब इसे हल्दी और नमक लगा के हम साइड में रख देंगे 4-5 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छे से मैरिनेशन उसके अंदर तक हो जाएगा। हम इसमें लेग पीस और वो यूज़ कर रहे हैं। आपके पास मतलब हड्डी वाला गोश्त या नॉर्मल जो भी गोश्त होगा चिकन का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने 1 किलो गोश्त लिया है। इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच जितना, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालना। हल्दी पाउडर डाल के इसे हम साइड में रख देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना, हर गोटियों पे अच्छे से लग जानी चाहिए हमारी हल्दी और नमक, ताकि अच्छे से मैरिनेशन इसका हो जाए। ये फ्रेंड्स, हमने लगा लिए सब इस गोश्त को हल्दी, अब एक साइड में रख देंगे। इसको हमने मैरिनेशन किया है हल्दी और नमक से, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 किलो हमने बासमती सेला चावल लिया है। ये जब हम बनाने के 15 मिनट पहले ही इसे भिगो के रखेंगे। 4 से 5 हमने मीडियम प्याज काट के ली है स्लाइस में इस तरीके से। ये 3 टमाटर हमें स्लाइस में कट करना है इस तरीके से। ये हम ना जो चिकन जो बघारेंगे उसमें लगने वाली ये सारे गरम मसाले हैं। ये हमने शाही जीरा लिया है, 1/2 चम्मच है। बादियाना है, 7 से 8 काली मिरी है। ये जावित्री का इतना टुकड़ा लेना है। हरी इलायची हमें 3 लेनी है, बड़ी इलायची 1 ही लेनी है, लौंग 4-5 लेनी है, दालचीनी का 1 बड़ा इंच का टुकड़ा लेना है और 2 तेज़पत्ता। ये सब हम चिकन बघारने में लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने धनिया पाउडर 2 चम्मच भर के लिए हैं। पशु पाउडर हमने 1 चम्मच लिया, इससे अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। जीरा पाउडर ये भी हमने 2 चम्मच भर के लिया है। ये सब बिरयानी की जान, बिरयानी मसाले का मसाला, ये हमने 2 चम्मच भर के लिए है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये आपको भी 2 चम्मच लेना है भर के। गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच लेना है और हल्दी पाउडर 1 चम्मच लेना है। ये फ्रेंड्स, ये लहसुन है, ये लहसुन भी हमें 2 चम्मच भर के लेना है और अदरक भी 2 चम्मच भर के लेना है। ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये हरी मिर्ची का पेस्ट हम चिकन बघारने में यूज़ करेंगे। और ये हरी मिर्ची को हमने ऐसे लंबी लंबी काट लिया है, इसे भी हम बघारने में यूज़ करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये हम चावल में भी नींबू यूज़ करेंगे, 1 नींबू हम चावल में भी डालेंगे और 1 नींबू हम गोश्त बघारने में भी डालेंगे। ये हमने क्योड़ा एसेंस लिया है जो बिरयानी में यूज़ होता है, ये ईजिली हर कोई मार्केट में मिल जाता है। ये हमने दही लिया है, ये हमने 300 ग्राम लिया है। जब हम चावल उबालेंगे तो उसमें भी हमें सारे गरम मसाले अच्छे से डालने। उसमें हमने 1/2 चम्मच शाही जीरा लिया है, बादियाना लिया है, 7 से 8 काली मिरी ली है, हरी मिर्ची भी ऐसे काट के डालनी है हमें, 1 बड़ा इंच का इलायची का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते और इलायची 2 लेनी है और लौंग 4 से 5 लेना है। और इसमें हम फ्रेश काट के पुदीना और धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये 4-5 हमारी तली हुई प्याज है, इसका हमें पानी डाल के पेस्ट बनाना है। इस तरीके का हमें इसे पेस्ट बनाना है। देखिए, इस तरीके का हमें पेस्ट रेडी करके ले लेना है तली हुई प्याज का। चलिए फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करते हैं। 4-5 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और इसमें सारे गरम मसाले डालेंगे, शाही जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, जावित्री और बादियाना, और तेज़पत्ता भी हमें डालना है। और ये थोड़े चटकने के बाद हम इस पर प्याज डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें प्याज डालना है जो हमने 4 कट करके ली थी, स्लाइस में कट करना है उसे, और उसे तेल में अच्छे से सौटे करना है। ये गोल वाली लाल मिर्ची है, आपके पास नहीं होगी तो आप सूखी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये हमने 3 से 4 डाल दिए, इसे भी तेल में फ्राई करना है।
और हरी मिर्ची को बीच में से स्लाइस करके वो भी हमें डालना है तेल में। देखिए थोड़ा प्याज का कलर चेंज होने के बाद अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट लिया है 2-2 चम्मच भर के वो डाल देंगे हम, और हरी मिर्ची का पेस्ट वो भी हम डालेंगे। ये भी हमने 2 बड़े चम्मच लिए हरी मिर्ची का पेस्ट, और फ्रेश हरा धनिया और पुदीना हम काट के तेल में ही इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स ऐसे डालने से। अदरक लहसुन, प्याज अदरक लहसुन को हमें तेल में अच्छे से पकाना है, और हल्का इसे इसमें 2 चम्मच पानी डालना है ताकि नीचे अदरक लहसुन लगे ना, और इसे अच्छे से सोटे करना है तेल में। देखिए फ्रेंड्स साइड से उसकी हल्की हल्की अदरक लहसुन की अच्छे से पक रहा है। अभी हम इसमें जो स्लाइस करे हुए 3 टमाटर है से भी हम डाल देंगे, और टमाटर को अच्छे से पकाना है, और नींबू डालेंगे आधा फ्रेश निचोड़ के। अच्छे से निचोड़ के डालना है जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था, तली हुई प्याज का बिरिस्ता का वो हम डाल देंगे। वो भी हमने आपको बताया किस तरीके से पीसना है तली हुई प्याज को, पानी डाल के पेस्ट रेडी करना है अच्छा फाइन, उसको डाल देंगे हम। और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पक रहा है मसाला। उसके बाद हम बिरयानी मसाला डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, बड़ीशो पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला डालेंगे, हल्दी 1 चम्मच डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होंगी तो आप सब मसाले ज़्यादा ले लेना, हमारे 1 किलो की बिरयानी हम बना रहे तो उस हिसाब से ये सब मसाले हैं। और इसे अच्छे से पकने रख देना, इसमें क्योड़ा एसेंस डालेंगे 4-5 बूंद आप डाल देना, 1/2 चम्मच भी डाले तो बहुत है। और दही हमने अच्छे से फेंट के लिया है, वो हम 4-5 चम्मच अभी डालेंगे, फिर ऊपर से हम बाद में डालेंगे चिकन डालने के बाद। देखिए फ्रेंड्स आप कलर दे सकते हैं, और इसमें जो तले हुआ बिरिस्ता है वो भी हम हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छी लगती है बिरयानी तली हुई प्याज से, इसलिए इसमें दम बिरयानी में ज़्यादा यूज होती है। देखिए फ्रेंड्स कितना माशाल्लाह हमारा मसाला पक रहा है, पक के ही हो गया है। अभी हम इसमें जो हमने मैरिनेशन करके रखा था चिकन को हल्दी और नमक लगा के वो हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने डाल दिए सारा चिकन, और इसे अच्छे से ऊपर नीचे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे ढक के रखोगे तो उसमें पानी खुद ब खुद छूट जाएगा, और इसमें हम लास्ट में ऊपर से हम फेंटे हुआ दही डालेंगे, पुदीना के पत्ते डालेंगे, और फ्रेश हरा धनिया भी हम काट के डाल देंगे। ये हमने खवा लिया है 50 ग्राम, ये हम हाथ से तोड़ कर इसे डालेंगे। अगर आपका एकदम फ्रेश होगा तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, हमारा फ्रिज में तो इसे थोड़ा हल्का सा कड़क है, इसे डालेंगे, और टेस्ट के हिसाब आप नमक डाल देना, और इसे ढककर हम पकने के लिए रख दें। 80% ही चिकन हमें कुक करना है, और ऊपर से हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, और दूसरे साइड हम चावल उबाल के ले लेंगे। इसमें 4-5 लीटर हमें पानी डालना है, और नमक हमें 4-5 चम्मच ही डालना है, कि चावल नमक डाल देंगे इसमें 4-5 चम्मच, ज़्यादा ही डालना है तो चावल में अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा, और 2 चम्मच तेल डालना है, और मैंने आपको सारी गरम मसाले दिखाई थी वो डाल देंगे हम।
चावल में भी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। फ्रेश हरा धनिया और पुदीना भी हम इसमें बारीक काट के डालेंगे, और इसमें एक नींबू निचोड़ के डालना है, नींबू उसके अंदर ही हमें डालना है। और इसमें क्योड़ा वाटर है जो एसेंस है, हम वो भी डालेंगे, एक चम्मच डालना है तो अच्छी स्मेल आएगी। देखिए जोश आ गया है हमारे चावल को, देखिए फ्रेंड्स उसमें हम चावल डाल दिए जो हमने एक घंटा पहले भिगो के रखा है, पूरे चावल हमने डाल दिया और उसको अच्छे से हिलाना है, और इसको ढक के हमें थोड़ा सा साइड से हम खुला रखेंगे कि उसका पानी का जोश बाहर ना आ जाए। और दूसरी साइड हमारा मसाला भी माशाल्लाह अच्छी तरीके से पक रहा है, तो थोड़े स्लाइस में काट के हम अदरक डाल देंगे, देख सकते हैं तरी भी माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से सूख गई है। और दूसरी तरफ हमारे चावल भी रेडी हो गए, और इसे हम छन्नी की मदद से हम इसे छान लेंगे, पूरा पानी इसका अच्छी तरीके से निकालना है। देखिए फ्रेंड्स कितने माशाल्लाह खुले खुले बन गए, और हमारा मसाला भी चिकन का दम बिरयानी का रेडी है। अब इसे हम असेंबल करेंगे, नीचे 2 चम्मच देसी घी डाल के उसके ऊपर हम चावल डालेंगे, डायरेक्ट मसाला डालेंगे तो नीचे मसाला पूरा लग जाएगा, इससे पहले थोड़े से चावल डाल के फिर उसके ऊपर हम मसाला डालेंगे। फ्रेश पुदीना हम इसमें डाल देंगे, हरा धनिया भी, जो हमने जाफरान केसर जो हमने दूध में भिगो के रखा था उसका माशाल्लाह कलर अच्छे तरीके से छूट गया था, वो भी हम 1 चम्मच साइड से डालेंगे। फिर उसके ऊपर तली हुई प्याज डालेंगे, और इसके ऊपर भी हमें क्योरा वाटर है एसेंस है वो भी डालना है। फिर उसके ऊपर से हम फिर से चावल अच्छी तरीके से हर साइड में स्प्रेड करेंगे, चावल के ऊपर भी हम तली हुई जो बिरिस्ता है वो डालेंगे, और जो हमने स्लाइस में हरी मिर्ची कट करी है वो भी डालेंगे, और इसमें जो हमने दूध में जो केसर मिक्स किया है वो भी हम डाल देंगे, और गरम मसाला ऊपर से अच्छी तरीके से छिड़कना है तो अच्छे चावल में भी टेस्ट आ जाते हैं। उसके ऊपर से हम फिर से मसाला रख देंगे, हर साइड से अच्छी तरीके से मसाला डालना है कि चावल तक पहुंच जाए, और उसके ऊपर से हम चावल डाल देंगे। देखिए अच्छे तरीके से चारों साइड से हमें इसे स्प्रेड करना है, और उसके ऊपर जो हमने केसर का होते वो कलर वो डालेंगे, तली हुई प्याज से बहुत अच्छा लगता है बिरयानी, हरा धनिया फ्रेश डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और उसके ऊपर से हम ऑरेंज वाला जो हमने कलर मिक्स करके रखा था पानी में हम वो भी डाल देंगे, चावल अच्छे लगते हैं इस तरीके से, और गरम मसाला और इलायची पाउडर भी उसके ऊपर हम डाल देंगे, थोड़ा वाटर है ये भी हम डालेंगे, और प्रेजेंटेबल लगने के लिए हमने गुलाब के पत्ते रखे इसके ऊपर बिरयानी में, और इसे हम अभी दम पे रख देंगे साइड से। इस तरीके से कपड़ा आपको लगाना है, और उसके ऊपर से आपको ढक्कन ढककर तवे पे रखकर, तवा रखेंगे नीचे, उसके ऊपर ये बिरयानी का भगोना रख देंगे, और इसे 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह हमारी बिरयानी, देखिए फ्रेंड्स बिरयानी, इसके ऊपर हमने थोड़ा वजन रख दिया था कि भाप अच्छे से अंदर तक बैठ जाए। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चावल भी माशाल्लाह कितने खुले खुले बन गए, क्योंकि हमने ओवर कुक नहीं किया था इसे। देखिए बिरयानी प्लेट में सर्व हो रही है, माशाल्लाह कितनी लजीज लग रही है। गार्निशिंग के हमने ककड़ी टमाटर प्याज, और उसके ऊपर हमने तली हुई बिरिस्ता डाल दिए। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक करके बताना, और ईद में ट्राई करना, ईद स्पेशल रेसिपी है ये, हैदराबादी दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।